दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, धक्का मार के इकोनॉमी चला रहा हूँ और यह मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि इकोनॉमी मेरी तरफ से जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जस्ट पेशेंस बना के रखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, दो ऑप्शन है, या तो नोट्स बनाते हुए चलो अगर आप फुल टाइमर हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से वीडियो देख के साथ नोट्स बनाते चलें। सच बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप समझे मेरी बात को, जस्ट आपने करंट अफेयर एडिटोरियल्स ऐड करने हैं, बाकी स्टैटिक पोर्शन में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दूंगा। और जहाँ तक 2022 चल रहा है फिलहाल, तो जहाँ तक वैसे 2022 तक करंट अफेयर होगा, इवन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि देखो ये पोर्शन को गैप कर देना, कल को फ्यूचर में 2023 का कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, फिर 2024 का दे रहा है, 25 का दे रहा हो, तो मैं ये भी बता दूंगा बेटा यहाँ पे अपने करंट अफेयर को ऐड कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, इकोनॉमी में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, तो उसी चीज़ को लेके मैं यहाँ पे रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। अभी तक की जो भी हमने 6-7 वीडियो दी, जैसे भी आईटी वालों ने ब्रेक करके करा होगा मुझे नहीं पता, तो उस वजह से अब उस वीडियो का मैं रिवीजन यहाँ पे लेके आया हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर हम रिवीजन करेंगे, ताकि दिमाग के अंदर ना दिमाग सेट हो सके। और एक चीज़ और, ये वीडियो देखने के बाद आपके जो नोट्स हैं, अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीटी में तो कम से कम 20 टाइम्स रिवीजन, मेंस में एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवीजन जरूर करके जाना। अगर इतना देखो जरूर करना पड़ेगा हिंदी मीडियम वालों, क्योंकि आपका कंपटीशन इंग्लिश मीडियम के साथ है, वो क्रीम पार्ट जिसमें आईआईटीएंस, आईएम, एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज, यहाँ से बीएचयू अगर बात करें तो यहाँ से आपका कॉम्पिटिशन होता है, तो उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको एडवांस टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के नोट्स जो होंगे बिल्कुल कंसाइज रखो, इवन मेरी सीरीज है बैक टू बैक बनाते जा रहे हो, लेकिन ये देखो जहाँ पे मैं चिल्लाता हूँ कि ये पीटी के लिए, उसको पीटी के लिए अलग से एक रजिस्टर बना लो, पीटी ओरिएंटेड, यार टीचर जी ने ये बोला था, अरोड़ा जी ने, और यहाँ पे हमें जो पीटी ओरिएंटेड हमें चीज़ें लेके चलनी है। तो जब तक आप ये चीज़ें लेके चलोगे ना, देख लेना इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन में 7 वीडियो की समरी देखते हैं फटाफट क्विक रिवीजन के साथ, ताकि मैं इकोनॉमी जो पढ़ाऊँ तो मेरे बच्चे ये ना बोले कि यार अरोड़ा सर की वीडियो बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं देख पाए। आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये रिवीजन उनके लिए जिनका फिर रिवाइज हो चुका है या फिर रिवाइज करना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट। देखिए भाई, पहले मैंने जब मैंने पहले वीडियो से स्टार्ट करी थी, तो मैंने ये बोला था कि अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि उत्पादन और आपका जो वितरण है और जो उपभोग है, उस चीज़ को समझना पड़ता है। उत्पादन, किस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं, उपभोग जो चीज़ हम लेते हैं, वितरण, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से हम कोई सामान का जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चीज़ का बेसिकली जो होता है वो समरी हमें जो है देखने को मिलती है। यानी कि हमें यह पता चल गया कि अर्थव्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके अंदर वस्तुओं सेवाओं, यानी कि इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि आप उत्पादन, उपभोग, वितरण किसका कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज का है ना, या तो आप गुड्स पैदा करोगे या फिर सर्विसेज दोगे। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आपके सामने सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उस चीज़ का वितरण का मतलब कि उस चीज़ का अध्ययन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, जब हम उत्पादन, उपभोग और वितरण के थ्रू अध्ययन करते हैं, तो उसको हम अर्थशास्त्र के तौर पर हम समझते हैं। फिर हमें यह पता चला एडम स्मिथ लेके आए, ये शास्त्रीय विचारधारा लेके आए थे। शास्त्रीय विचारधारा का मतलब ये हुआ कि इसके बाद कीन्स आए, हॉवर्ड आए, जो भी आए वो एक अलग कहानी थी, लेकिन कीन्स ने शास्त्रीय विचारधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यानी कि मॉडर्न अर्थशास्त्र का अगर हम बात करें तो इनको जनक भी एक तरह से हमें जो है देखा जाता है। तो उस कंडीशन में ये भी पता चला इनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को अगर हम बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका बहुत ज़्यादा अगर बात करें, इन्होंने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कि बाजार को मांग और पूर्ति पे छोड़ दो, मांग और पूर्ति को छोड़ दो। और इन्होंने साथ में ये भी बोला था कि लॉन्ग टर्म विजन हमें, जो भी इनकी थ्योरी थी वो लॉन्ग टर्म थ्योरी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये नहीं कि 2-3 साल की थ्योरी के बारे में बताया था, नहीं, इन्होंने जो भी बोला था वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल लॉन्ग टर्म थ्योरी के ऊपर जो है लेके चले थे। और साथ में इन्होंने अगर बात करें तो इनको अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी यहाँ पे कहा जाता है। और ये जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है 1776 के अंदर पब्लिश हुई थी, और अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसको जो है थोड़ा बहुत जो है फॉलो भी किया था। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक को अगर हम बात करें तो कौटिल्य जी को ही माना जाता है। अगर चीज़ों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कौटिल्य जी को ही बेसिकली जो है माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमें यह पता चलता है कि देखो इसमें जैसे इन्होंने लेजर फेयर की अगर बात करें तो पॉलिसी दी थी, यानी कि राज्य को इसमें जो हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी उत्पादन में। यानी कि जो भी सारा काम होगा वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांग, जो बाजार में जो मांग और पूर्ति होगी उसके ऊपर कंट्रोल करके छोड़ दो। मांग और पूर्ति अपने हिसाब से, बाजार को अपने हिसाब से दिशा, मतलब अपने हिसाब से दिशा में लेके चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज के समय आप देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर
आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं वो कंगाली की कार पे खड़ा है, उसका फोनो रिजर्व मैक्सिमम मैक्सिमम 20 days to 30 days का है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये हुआ क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी है ज्यादातर डिपेंड है टी पे और टूरिज्म पे। 2 साल के अंदर कोविड के कारण टूरिज्म की वैसी बुरी हालत हो रखी है, जिसके कारण अब वहां पे गवर्नमेंट को अब कंट्रोल करना पड़ रहा है, कि गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ा। इवन राशनिंग, इवन दूध का राशनिंग, सारी चीज की राशनिंग जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को करना पड़े। तो इस तरह से ये पॉलिसी जो होती बिल्कुल फेल हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें इस क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे, तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लें, इंडिया भले ही आज के समय अगर हमारी जो इंडियन पॉलिसी है अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हम ठीक है, हम लोगों को स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन जब भसड़ होती है तो कहीं ना कहीं उसका निवारण कंट्रोल करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय जियो प्राइस वॉर चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर बात करें ट्राई का एक ऑप्शन है। ट्राई मतलब कि आप बोल सकते हैं टेलीकॉम में जो रेगुलेट बॉडी होती है उसको मतलब पूरा अच्छे से जो है रेगुलेट करती है। तो अगर कोई टेलीकॉम को लेकर कोई प्राइस वॉर होता है, कोई कॉम्पिटिशन करता है, कोई कुछ ऐसे करता है, तो उसके ऊपर डंडा जो है गवर्नमेंट चलाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडम स्मिथ की जो आलोचना है, इसी चीज़ को परिप्रेक्ष्य में जो हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं, हमें यह पता चलता है कि एडम स्मिथ के आर्थिक सिद्धांत में हमें यही पता चला कि बेसिकली इन्होंने लेजर फेयर की अगर बात करें तो इन्होंने लेजर फेयर की मतलब इन्होंने सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, यानी कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है इन्होंने कुल मिला के जो है बात करी गई थी। इन्होंने साथ में ये भी बोला था कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी काम हो वो मांग और पूर्ति पर ही होगा, और सरकार को जो है यहाँ पे मतलब की मांग और मतलब पूर्ति पे ही मतलब सारी चीजें होंगी, और सरकार को यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तरह से अदृश्य हाथ के ऊपर इन्होंने संतुलन को बनाए ऑटोमेटिक रखेगा, यानी कि डिमांड और पूर्ति जो होगी वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अदृश्य हाथ की तरह जो है चीजों को लेके चलेगी। अगर हम नेक्स्ट सिद्धांत की अगर हम बात करें, यानी कि वैश्विक अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक की अगर हम बात करें, तो हमें यह पता चलता है कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवस्था और कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में अगर हम बात करें तो यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। उत्पादक व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है और कि उसे वस्तुओं का उत्पादन करना है जिसे उसका लाभ अधिकतम हो सके। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के उस उपभोग प्रतिफल कंजप्शन पैटर्न का अध्ययन किया जाता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम ये देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमी होती है। हमारे देश के अंदर हम कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जिस तरह से अगर कोई मान लो कोई स्कीम लेके आती है, कुछ लेके आती है, तो वो हमेशा ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट करती है। ब्लॉक लेवल का मतलब हो गया माइक्रो हिसाब से सॉरी इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करी जाती है उसको माइक्रो पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्टार्ट किया जाता है। जब उस पॉलिसी में खामियां देखी जाती हैं, फायदे देखे जाते हैं, फिर उन मुद्दों को सुलझाया जाता है, फिर उसको बाद में मैक्रो लेवल पे स्टार्ट किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बात करें तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें जिसको हम बड़े लेवल पे जब हम नापने की कोशिश करते हैं तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के तौर पे समझते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय की बात करी जाती है, समग्र मांग की बात करी जाती है और समग्र पूर्ति की जो है बेसिकली अगर बात करें तो बात करी जाती है। यानी कि राष्ट्रीय आय, समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जब बात करी जाती है, यानी कि पूरे देश की आय की बात करी जाती है। कुल मिला के ये है कि जब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बात करी जाएगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बात करी जाएगी, यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर बात करी जाएगी, रशिया की इकोनॉमी पर बात, चाइना की इकोनॉमी बात, तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर जो हम उसको समझते हैं। फिर इसमें अगर हम बात करें यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमें यह पता चला कि समष्टि अर्थशास्त्र में अगर बात करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं में राष्ट्रीय आय, मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन, बजट भुगतान, विदेशी भंडार, ये सारी की सारी जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सारी टर्मोलॉजीज होंगी उन सबका अध्ययन जो अगर हम बात करें तो बॉस समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो है किया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसके महत्वपूर्ण घटक के अंदर देखें जो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक के अंदर जिसमें सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एम साख सृजन का के ऊपर ध्यान दिया जाता है, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति और स्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के प्रकार के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो अगर हम नियंत्रण के आधार पर चलें कुछ 3 तरह से हमें डिफ्रेंशिएट देखने को मिलते हैं, जिसमें नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर हम विकास के आधार पर देखें तो हमें यह पता चलता है कि अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और साथ में विकसित अर्थव्यवस्था के ऊपर हमें जो है देखा जाता है। फिर इसके बाद वैश्विक संबंधों के आधार पर देखें तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था के ऊपर जो हमें चीजों के ऊपर देखा जाता है। तो यानी कुल मिला के अब जो हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के प्रकार के ऊपर ही सबसे ज्यादा जो हम बात करेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था प्रकार के ऊपर ही हम चीजों को सबसे ज्यादा जो है लेके मतलब कि डिस्कस हम करेंगे। तो पहले चलते हैं फटाफट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे फिलोसफी यही है कि देखो जब कैपिटलिस्ट लोग जब चीजें हो जाती हैं, यानी कि उत्पाद यानी कि वस्तुओं सेवाओं को जब उत्पादन जो होता है निजी लोगों के हाथ में निजी लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि अब मोटा मोटा आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जब निजी लाभ के लिए किया जाता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर समझा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इसमें जैसे कि आपका हो गया यूएसए, ठीक है, यूएसए अगर बात करें तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर ही हमें चीजें देखने को मिलती हैं, अर्थात यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है। अगर हम इकोनॉमी टर्म के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है, बॉस सरकार का मैक्सिमम नियंत्रण नहीं होता। सिर्फ जो सरकार होगी वो रेगुलेटर के तौर पे काम करेगी, ठीक है, कंट्रोलर के तौर पे नहीं, रेगुलेटर के तौर पे, यानी कि जब चीज़ों को मतलब कि देखेगी, कंट्रोल नहीं करेगी, सिर्फ देखेगी। हाँ, कहीं बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो सरकार फिर अपने हाथ में चीज़ों को उठा लेती है। तो निजी क्षेत्र अधिक यहाँ पे प्रभावी और स्वतंत्र तौर पे काम करते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र में अगर बात करें काम करने की दशा बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्वतंत्र हमें जो है देखने को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं पूंजीवादी के फायदे या गुण। भाई पूंजीवादी होता है नवाचार को बढ़ाता है, जब पैसा होता है नवाचार भी बढ़ेगा। पूंजीवादी समाज दोनों स्वतंत्र और अवसर पर केंद्रित भी होते हैं। पूंजीवाद आबादी की जरूरतों को भी पूरा करता है। पूंजीवाद स्वयं नियामक भी होता है। पूंजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद भी जो बेसिकली करता है। अब गुण में देखें तो धन और आय के असमान वितरण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर लोग काफी ज्यादा अमीर भी होते हैं और काफी ज्यादा जो हमें गरीब भी देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य रूप से एक कक्षा संघर्ष, यानी कि क्लास, यहाँ पे आप इसको लिख लेना क्लास संघर्ष, गरीब वर्सेस रिच में जो अगर बात करें तो वो चीज़ें भी जो हमें संघर्ष में तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक लागत बहुत ज़्यादा अधिक होती है। पूंजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता होती है। बेरोजगारी रोजगार के तहत काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जो है नहीं होती है। फिर अब यहाँ पे आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो कार्ल मार्क्स थे वो बेसिकली भी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रूप में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था। देखो मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, समाजवाद और साम्यवाद में क्या फर्क होता है, पहले इस चीज को समझो। जैसे कि चाइना में साम्यवाद की तरफ हमें चीजें देखने को मिलती है, लेकिन भारत में समाजवाद है। देखो दोस्तों सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, इस चीज से आप चीज को समझ जाओगे। फिलॉसफी देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। अगर फिलॉसफी देखा जाए, ये भी अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये बोलता है कि भाई सबके साथ समान वितरण हो, समान न्याय हो, सारी चीज़ें हों, इवन साम्यवाद की बात है, समाजवाद की हो। लेकिन द बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कि जो समाजवाद है वो एक तरह से अगर डेमोक्रेटिकल टाइप में चीज़ें यानी कि डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि वो बोलता है एक व्यवस्था का पालन करते हुए आगे समाजवाद लेके आना चाहता है। लेकिन जो साम्यवाद होता है वो संघर्ष के तौर पर लेके आना चाहता है, यानी कि अगर बात करें वो बोलता है कि अगर इवन समाज जो साम्यवाद का मानना यही है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक शोषक एक शोषित। लेकिन साम्यवाद की फिलॉसफी यही है कि शोषित ही एंड में जो जीतेगा, ठीक है, और शोषक खत्म हो जाएगा। शोषक जो बंदा है, जो रिच पीपल है वो है, उनको हम शोषक कहते हैं। शोषित जो लेबर क्लास लोग हैं वो होते हैं। तो ये कहता है इस साम्यवाद कि शोषित जो है आने वाले संघर्ष के थ्रू, एक बार ध्यान समझना, संघर्ष के थ्रू जो चीज़ों को जो है खत्म कर देगा आने वाले टाइम में। तो ये और यहाँ पर ये बोलता है कि चाहे आदमी कोई भी काम करे, कुछ भी काम करे, सबको समान मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो कोई बंदा बीए पास हो तो उसको सेम पैसे मिलेंगे, जो बंदा साइंटिस्ट हो तो भी उसको पैसे मिलेंगे। तो ये फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस हमें जो देखने को मिलता है। तो समाजवाद की अर्थव्यवस्था की तरफ अगर देखें तो ये विचार कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया गया था। समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन जो होता है, नियंत्रण जो होता है, सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाना चाहिए। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की जो संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियां कम प्रभावी होती है। यानी कि यहाँ पे ये बोलता है ये जस्ट कैपिटलिस्ट मार्केट का जस्ट अपोजिट वर्जन है। वहां पे ये था कि स्वतंत्र चीजें होनी चाहिए ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे बोलते कि नहीं, सरकार को बीच में आना चाहिए, सरकार के थ्रू चीजें सारी काम होगी। यानी कि फ्री मार्केट हम नहीं कर सकते। अगर फ्री मार्केट करेंगे तो लाभ का उद्देश्य होता है फ्री मार्केट के अंदर, जिससे कि लोगों का अगर बात करें तो लोगों का शोषण होगा। तो वो बेसिकली यहाँ पे यही कहता है कि फ्री मार्केट ना होके सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और उसके थ्रू सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के थ्रू मतलब कि बढ़ना चाहिए। फिर इसमें अगर बात करें समाजवाद के पक्ष में तर्क देखें तो शोषण का अंत हो जाता है इसके अंदर। सामाजिक न्याय पर आधारित है। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता है। उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। सभी को उन्नति के समान अवसर देना चाहिए। समाज और साम्राज्यवादी का बेसिकली जो है वे विरोधी होता है।
समाजवाद के विपक्ष में तर्क देखें तो राज्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है, समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, नौकरशाही का जो महत्व होता है काफी ज्यादा, यानी कि आई एस पीसीएस जो होते हैं हम जैसे लोग इनका महत्व बहुत ज्यादा, यानी कि माई बाप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है और पूर्ण समानता जो बेसिकली बात कर समाजवाद में भी संभव नहीं है। अब अभी तक हमने निर्णय के आधार पर वर्गीकरण पूंजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था देख रहे थे, अब फटाफट मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जांपल जैसे हमारे देश के अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी साथ में काम करते हैं, साथ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर भी जो आज के समय काम करते हैं, यानी कि सर्टेन द बेस्ट एग्जाम्पल ब्राजील को ले सकते हो, इंडिया को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ उत्पादन की कुछ योजनाएं जैसे सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती हैं और कुछ को निजी उद्योगों के लिए छोड़ भी दिया जाता है, यानी कुल मिला के ये हो गया कि जो भी उत्पादन में जो भी उत्पादन होगा ये तो गवर्नमेंट भी करेगी, साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, बाकी जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकारी काम को जो है मतलब प्राइवेट काम को जो है मतलब प्राइवेट उद्यम के ऊपर जो छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र और पूंजीवादी यानी निजी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि इंडिया बहुत ज़्यादा चलाक था, यानी हमारा बुलबुल का बच्चा बहुत चलाक था, और इसमें इन्होंने जो है समाजवादी के गुण भी ले लिए साथ में पूंजीवादी के भी गुण ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने यूपीएससी की लैंग्वेज में सिखाऊं तो ऐसा ही है कि आपने 5-6 किताबें ले ली इकोनॉमी की और हर एक इकोनॉमी से अच्छे अच्छे कंटेंट निकाल के अपने नोट्स बना लिए। ये है मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कंसेप्ट। फिर इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे आधे घर के रूप में वर्णित यहाँ पे किया जा सकता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजी समाजवाद दोनों के लाभों को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो है प्रयास करती है। भाई फायदे क्या क्या है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्वतंत्रता हमें जो देखने को मिलती है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग बता चुका हूँ, और आर्थिक योजना के यहाँ पे काफी ज्यादा जो हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं, कम आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है, प्रतियोगिता काफी ज्यादा कुशल और उत्पादन भी हमें देखने को मिलती है, फिर सामाजिक कल्याण भी काफी अच्छे से होता है, आर्थिक विकास भी जो काफी ज्यादा अच्छे से हमें जो है देखने को मिलता है। फिर नुकसान में ये देखने को मिलता है कि स्थिरता यहाँ पे नहीं होती, क्षेत्रों की अक्षमता सबसे ज्यादा बढ़ने लग जाती है, फिर साथ में आर्थिक निर्णय में देरी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, अधिक अपव्यय भी चीजें होती है क्योंकि संसाधनों का जो होता है काफी ज्यादा दुरुपयोग यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी भी होती है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीजें होती है तो राष्ट्रवाद का जो है बेसिकली हमें खतरा भी जो है सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है। फिर ये हमारा सेशन पूरा मॉडल कंप्लीट हो गया, अब विकास के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं फटाफट। देखो विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो बिल्कुल डेवलप होती है, जिनका अगर बात करें हाइयर जीडीपी होता है, हाइयर जीडीपी का मतलब ये होता है, और साथ में कहीं ना कहीं हाइयर एचडीआई भी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये होता है कि देखो दोस्तों ऐसे तो देखा जाए तो कुवैत की करेंसी सबसे महंगी है, कुछ आई थिंक 185 या फिर 190 रुपये का रियाल आता है कुवैत, जो गल्फ के अंदर है, जो दुबई के बगल में ही है, ठीक है, लेकिन उसको हम डेवलप कंट्री इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उनका हायर एचडीआई अभी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मुस्लिम राष्ट्र है, और मुस्लिम राष्ट्र में तो आपको पता है कि महिलाओं को लेके आपको भी पता है कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है, मैक्सिमम मतलब अगर हम मैक्सिमम तौर पर देखें तो महिलाओं को तुच्छ समझा जाता है, लेकिन इसका जीता जाता हमें एक एग्जाम्पल ये भी देखने को मिलता है जिस तरह से तुर्की अगर बात करें सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है अगर हम मुस्लिम्स में अगर बात करें तो उसी के जैसे कुवैत नहीं है इतना, और ना ही कुवैत जो है यूएस की तरह है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके वहाँ पे कुवैत की अगर बात करें तो जिसके कारण वहाँ पे ठीक है डेवलप तो दिखता है कि हाँ पैसा है सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एसीडीआई को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन डेवलप इंडेक्स अगर बात करें तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें निम्न स्तर वहाँ पे देखने को मिलता है। अतः विकसित अर्थव्यवस्था जो तौर पर देखें तो जिस तरह से आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हायर मतलब कैपिटलिस्ट के साथ 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 में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हायर एचडीआई भी हमें देखने को मिलता है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ध्यान रखना जितना ज़्यादा हायर डेवलपमेंट इंडेक्स होगा उतना ही देश वो ज़्यादा तरक्की पे करेगा, क्योंकि जब एचडीआई जितना ज़्यादा अधिक होगा डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था हम जैसे लोग यानी कि भारत अगर बात करें, ब्राज़ील हो गया, चीन हो गया, जहाँ पर अगर बात करें कि लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अगर बात करें जैसे कि हायर डेवलपमेंट में अगर जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्था में देखें वो अभी यहाँ पे बैठे टॉप नॉच पे बैठे हैं, लेकिन भारत हालांकि भी यहाँ पे है लेकिन इसमें अभी भी प्रयास किया जा सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये जो एरिया बना इसी कारण इसको जो विकासशील कहा जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल है, कि चीज़ें अपनी तरफ से जो है लोग विकास कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर जो है समझा जाता है। फिर अविकसित यानी कि जिसमें आप बोल सकते हो कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे
बोल सकते हैं युक्तिगत उपयोग नहीं हो रहा मानवीय संसाधनों का, लोग गरीब होते जा रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें गरीब होती जा रही हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे जैसे कि युगांडा हो गया, केनिया हो गया, वो ऐसे अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो बिल्कुल बात करें अभी भी गरीबी के कगार पे, हालांकि उनके पास पोटेंशियल है लेकिन मानव संसाधन नहीं है, भौतिक पूंजी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब चीज़ों का अपव्यय होना स्टार्ट होता है तो चीज़ें फिर गड़बड़ा जाती हैं। जैसे कि आज के समय देखें तो जिस तरह से श्रीलंका का भी हाल हो रहा है अभी हाल ही में, उसी तरह से कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम देखें बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह अर्थव्यवस्था है जो भारी रूप से प्रॉपर वे में क्लोज होती है। देखो दोस्तों, ये सैद्धांतिक कंसेप्ट है, व्यवहारिक नहीं है, अगर ध्यान रखना। यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, वैसे तो पूछेगा नहीं, इस तरह के टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं पूछता, पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ये सिर्फ सैद्धांतिक, यानी इकोनॉमी में सिद्धांत के तौर पर पढ़ा जा सकता है, व्यवहारिक तौर पर इसका कोई उपयोग नहीं है। व्यवहारिक तौर पर क्यों? अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था है, तो नहीं दोस्त, अगर आप देखें या डेटा को उठा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया का मैक्सिमम इंपोर्ट, मतलब 100% इंपोर्ट चाइना से ही होता है। चाइना के भी मजे हैं, क्यों मजे ले रहा है, पैसा इन्वेस्ट आ रहा है। चाइना की तो पॉलिसी यही है कि डेब्ट ट्रैप करो, बस देते चले जाओ और हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते चले देते चले जाओ। तो चाइना का तो काम ही यही पैसे से पैसा कमाना, तो इसी के कारण चाइना का आज के समय पूरे वर्ल्ड में जो क्रिटिसाइज हमें जो देखने को मिल रहा है। फिर खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें मतलब कि विश्व के अन्य देश के साथ वस्तु सेवाओं का मतलब सुगम रूप से व्यापार हो सके, कोई रोक टोक ना हो, कोई लाल फीताशाही, कोई कुछ ना हो, तो मतलब ठीक ठाक से, मतलब कि अगर बात करें तो लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो बेसिकली काम कर सके। जैसे वर्तमान में सभी अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो खुली अर्थव्यवस्था जो हमें देखने को मिल रही है। फिर कुछ ओवरस्टेक्स देखते हैं, इंडिया जो है जर्मनी को 2022 में यहाँ पे ओवरटेक कर लेगा। अगर अब इसको ये डेटा या डेटा फेटा याद मत करना, सिर्फ एक ये लाइन है जो ये याद रखने की जरूरत है कि यह अगर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ठीक है, 2022 में अगर बात करें तो ये कहता है कि इंडिया सेट टू ओवरटेक जर्मनी बाय, ये हमारी तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था के फीचर्स अगर हम बात करें तो उसमें हमें जो देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 का यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया गया है कि कहीं ना कहीं चाइना टॉप पे होगा, सेकंड पे इंडिया आ जाएगा इन सबको बाईपास करते हुए, और थर्ड पे जो है यूएसए आ जाएगा। बस ये तीन ही देखो, बाकी सब काट दो, ये हमारे काम का नहीं है। तो हमें ये भी, अगर आप मेंस में अगर कोई आंसर लिखते हैं तो ये आप यहाँ से डेटा 2030 का जो है बेसिकली उठा सकते हैं कि 2030 के अंदर कि भाई चाइना टॉप पे और भारत की जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टॉप पे हमें देखने को मिलेगी। एज अगर बात करें तो हमारे अंडर जो है, हमारे जो बिलो होगा वो कहना कि यूएसए में जो देखने को मिलेगा। फिर अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्रों के ऊपर बात करते हैं फटाफट दोस्तों। पांच तरह के, अगर हम देखो प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहारिक सिद्धांत के तौर पर देखा जाए तो पांच तरह के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो अभी भी हाल ही में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तीन तरह के सिद्धांतों की बात करते हैं, मतलब तीन तरह के क्षेत्र गिनवाते हैं। लेकिन इस तीन के साथ साथ चतुर्थम और पचतम भी हमें जो देखने को मिलता है, जिसके अंदर साइंटिस्ट और डेटा इंटरप्रेटर और निर्णय लोग वाले होते हैं वो भी जो बेसिकली करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अगर बस इस चीज़ को याद रखें, जो भी चीज़ प्राकृतिक संसाधनों से चीज़ें ली जाती हैं, कुछ भी हो जाए, मछली पालन हो जाए, कृषि हो जाए, जो प्राकृतिक संसाधनों का जहाँ पे ज़्यादा रोल होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के तौर पे समझते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम काम जो होता है मशीनों के हिसाब से ना होकर अभी भी ज़्यादातर काम हाथ से होता है। लेकिन अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की बात करें, यार वहाँ पे तो दूध भी जो होता है वो मशीनों से निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ तो वो दूध ऐसे तो दोते हैं ना, ऐसे ऐसे देसी स्टाइल में, लेकिन वहाँ तो मशीन वगैरह लगी रहती है उनके निप्पल्स में, और वो जो बेसिक दूध लेते आते हैं। तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्यों भाई वो दूध निकाल रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर देखें तो भाई अगर इसी जैसे इसने मान लो इंडस्ट्री ही लगा दी है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, भाई इंडस्ट्री से लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो है सैद्धांतिक तौर पर ही फोकस करना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई वो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर है लेकिन वो एडवांस में जा सकते हो। इसमें नई टर्म भी निकाल सकते हो कि हाँ प्राथमिक क्षेत्र है लेकिन वो एडवांस पार्ट है भाई, सिंपल सी बात है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि संबंध गतिविधियां हो गई, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और ये एक चीज ये याद रखना, खनन और उत्खनन जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्यों? ये डायरेक्ट चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मशीनों का यूज करते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे इंटेंसिव जो बात करें लेबर्स की बहुत ज्यादा होती है, लेबर्स की सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण खनन और उत्खनन को भी जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। अगर यूपीएससी में आ गया कि खनन क्षेत्र जो है द्वितीय तृतीय पंचम किसमें रखा जाता है, तो आपने हमेशा मार्क जो करना है इसके आगे स्टार भी लगा लो कि बेसिकली जो है खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें करने को मिलता है। फिर द्वितीय क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण विनिर्माण और जलापूर्ति में सारी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे काम मशीन से ज्यादा किया जाता है, निर्माण का काम ज्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन विनिर्माण किसी चीज मैन्युफैक्चरिंग करना, तो उस चीज को लेकर अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो गए, मैं टीचिंग दे रहा हूँ आपको, तो ये भी एक तरह से बात करें तृतीय क्षेत्र है।
फिर बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बीमा हो गया, सामुदायिक सेवा हो गया, ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो तृतीय क्षेत्र की तरफ हमें जो देखने को मिलता है। फिर चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित और अनुसंधान, जब जब भाई बंदे रिसर्च करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो इसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं। पंचम क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इनको अगर हम बात करें तो बेसिकली ये विशेष निर्णय और मतलब कि जो बड़े बड़े जो बोलते हैं ना कि निर्णयकर्ता हो गया, प्रांतदाता, कंसल्टेंसी हो गई, कंसल्ट करने वाले लोग हो गए, नीति निर्धारक लोग हो गए, तो इनको जो है बेसिकली पंचम क्षेत्र में जो है रखा जाता है। ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, इस पर भी बात करी जाती है पर वो हमारा यूपीएससी का काम कर नहीं है इतना, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर यही है सारी चीज़ें। जहाँ पर अगर बात करें जो लेखांकन का जो कार्य होगा, जो उसमें लेखा गणना करी जाएगी, वो कहने की प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त जो आय होगी उसमें यहाँ पे करी जाएगी। और यहाँ पे कृषि संबंध गतिविधियों से लेके ही सारी चीज़ें होती हैं और इसे निम्न क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे कृषि संबंध क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र, वानिकी, खनन और उत्खनन में देखने को मिलता है। द्वितीय क्षेत्र में वही कच्चे माल से जब हम चीज़ों को मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, भाई मान लो आटे से बिस्कुट बना दिया तो मशीन का उपयोग हुआ, तो उसके कारण जब मशीन लगी तो कहीं ना कहीं फिर द्वितीय क्षेत्र की तरफ हमें देखने को मिलता है, यानी फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसे औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा जाता है, जैसे निर्माण भवन करना, विनिर्माण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें हमें करना। तृतीय क्षेत्र में अगर बात करें सेवाएं क्षेत्र जो है ओवरऑल जो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जनता की कार्यशैली के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये कार्ड तो ऐसा कुछ नहीं आता, तो हमारी चीज़ें खत्म हो गई। तो हमारा पार्ट वन अगर हम बात करें तो हमारा जो है रिवाइज हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको कुल मिला के ठीक ठाक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।